पिछले दिन हुई कैबिनेट मीटिंग दौरान पंजाब के मुख्य सकत्र करण अवतार सिंह खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल नाल हुए झगड़े तो बाद मनप्रीत सिंह बादल ने ऐलान कर दिया है कि सरकार की जिस मीटिंग विच करण अवतार सिंह होणगे मैं उस मीटिंग विच नहीं जावांगा। यह गल उन्होंने सीएम कैप्टन साहब तक भी पहुँचा दी है। उन्होंने कहा कि फैसला हुण मुख्यमंत्री साहब करनगे कि मीटिंग विच करण अवतार सिंह नूं बुलाउणा है जां मैनूं। इस मौके उन्होंने होर की कहा, आओ सुन लैंदे आ। दो दिन कबल जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी करण अवतार सिंह जी और उनका जो तमाम कैबिनेट के सामने रवैया था और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और उनका जो अंदाजे गुफ्तगू था, वो चीफ सेक्रेटरी के जो मनसब है, उनके जो ऑफिस है, उसको जेब नहीं देता। और मुझे लगता है वो जो पंजाब की कैबिनेट है उनकी शायान शान में भी इतना नहीं था। तो मैंने ये प्रपोजल दी कि अगर चीफ सेक्रेटरी पंजाब के कंटिन्यू करते हैं तो मेरे लिए ये नामुमकिन होगा कि मैं उस कैबिनेट या उस मीटिंग में बैठूं जहां चीफ सेक्रेटरी करण अवतार सिंह उसी में बैठे हों। तो सीएम साहब ने और सारे कैबिनेट से पूछा कि ये जो मनप्रीत की जो प्रपोजल है उसको चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने भी बोला, क्योंकि जब वो थोड़ी बहुत इख्तलाफात हुए थे तो वो चन्नी जी पे दरअसल उन्होंने ये नाजेबा अल्फाज जो है वो यूज़ करे थे। तो चन्नी साहब ने बोला, जी मैं भी उस कैबिनेट का हिस्सा या उसमें शिरकत नहीं कर सकता जहाँ चीफ सेक्रेटरी होंगे। तो सीएम ने बोला भी आप अपना डिसीजन रिकॉर्ड करवा दीजिएगा। तो यूनैनिमसली सारे कैबिनेट ने ये बोला, ये रिकॉर्ड करवा दिया है। सीएम साहब ने ये नोट किया कि ये कैबिनेट का यूनैनिमस डिसीजन है। हमने सीएम साहब से ये दरख्वास्त करी है कि ये फैसला अब आपने करना है कि चीफ सेक्रेटरी साहब को मीटिंग में बुलाया करेंगे कि हमें। सो बहरहाल, और मैं आपके सुनने वालों को, क्योंकि प्लीज़ ये मेरी बात आप गलत मत समझ लेना, ये कोई ईगो की लड़ाई नहीं है, ये कोई अना की लड़ाई नहीं है, लड़ाई इस बात की है। और मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ, आज से 7 हफ्ते पहले आई लॉस्ट माई मदर। मेरे फादर इस वक्त जो है वो ICU में है, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। मैंने ज़िंदगी और मौत को बड़ी करीब से देखा है, और जब कोई इंसान मौत देख लेता है तो उसमें ईगो और अना की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। ये जो फैसला लिया गया है, इट इज़ इन द हाइस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब। ये शायद कोई मानने के लिए, और ख़ास करके अगर कोई सियासतदान ये बात कहता है तो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है, पर मेरे ग्रैंडफादर भी MLA रहे हैं पंजाब में, मेरे फादर भी MLA पंजाब में रहे हैं, और मैं भी पंजाब में 5 मरतबा MLA रहा हूँ। एक गोशा है दिल में जो पंजाब के लिए वफादारी रखता है। तो ये जो फैसला या जो आज ये मुतालबा किया गया, ये पंजाब के फलाह, पंजाब के हाईएस्ट इंटरेस्ट में ये फैसला लिया गया। अब ये सीएम पे छोड़ना है कि सीएम साहब इस पे क्या फैसला लेंगे। आइंदा जो भी मीटिंग्स होंगी, अगर करण अवतार जी आएंगे तो उसमें मनप्रीत तो नहीं आएगा।